हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारे पास खड़ी कावासाकी ZX6R, मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। राइड रिव्यू वगैरह हम नहीं कर पाएंगे, बाकी इस बाइक की बैटरी भी डाउन है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको स्पीडोमीटर वगैरह और लाइट वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा, बट सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और प्राइस भी जो देहरादून में पड़ रहा है अभी फेब एंड 2024 के हिसाब से, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं। पहले हम विजुअल डिटेल्स की बात कर लेते हैं, फिर हम अपने इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर चलेंगे। बाकी आगे से आपको ऐसा काफ़ी शार्प लुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और नया है। एंड इधर LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है आपको सारे, हाँ LED इंडिकेटर है सब अंदर। एक काफ़ी बड़ा कर्व रेडिएटर, एंड देन शोवा के सस्पेंशन, निसिन के ब्रेक कैलिपर्स, आगे आपको डुअल डिस्क का सेटअप मिलता है, एंड बैक में ऑब्वियसली सिंगल डिस्क का सेटअप मिलता है विद निसिन के कैलिपर्स। बाकी काफ़ी ह्यूज बड़ा सा एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। एक इनलाइन 4 इंजन है जो कि 636 सीसी का है, ZX6R नाम भी उसी हिसाब से। बाकी यहाँ पर आपको आगे एयर इंटेक देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको रीबॉर्न कंप्रेशन दोनों चीज़ें एडजस्ट करने के लिए ऊपर से ऑप्शन मिल जाता है। बाकी पोस्चर काफ़ी स्पोर्टी पोस्चर है, स्पोर्ट टूरिंग में नहीं आती, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक में आती है। यहाँ पर आपको एक सीट कॉल लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है, आई गेस इसमें ऑप्शन होगा सीट का ऑब्वियसली, कि ZX10R में भी सीट कॉल मिलता है बट पीछे सीट का ऑप्शन होता है एज एक्सेसरी, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पे आप एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक एंड एडजस्टेबल क्लच देखने के लिए मिल जाता है। इन हैंड कंट्रोल्स की बात करें तो इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पे मोड वगैरह सेलेक्ट करने के लिए लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हजार्ड, हॉर्न, पीछे पास, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी एक छोटा सा वाइजर मिलेगा आगे, नॉर्मल साइज़ के मिरर्स मिल जाएंगे। बाकी डायरेक्टली मेटल का टैंक देखने के लिए मिलता है, जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है इसमें क्विक शिफ्टर भी है। पीछे एक मोनोशॉक सस्पेंशन है जिस पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, बट आई गेस एडजस्टेबल होगा। एंड यहाँ पे आपको इसका ऑयल फिल्टर इधर है, अलॉय का स्विंग आर्म देखने के लिए मिल जाता है काफ़ी ह्यूज सा, और फुल LED सेटअप है। पीछे भी LED इंडिकेटर, LED टेल लाइट, आगे मैंने आपको दिखाई दिया LED इंडिकेटर फेयरिंग में ही, और आगे LED हेड है। हाँ, तो गाइस बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक 636 सीसी का लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और आपको चार बैंड पाइप वो दिख रहे हैं जो कि आपका जनरेट करता है 122.03 BHP की पावर, 13,000 RPM पे, 69 Nm का टॉर्क 11,000 RPM पे, टॉप स्पीड इंटरनेट 250 क्लेम कर रहा है। इसमें आपको चार राइडिंग मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। राइडर में आप मतलब अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, बैटरी डाउन है इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। बाकी एक 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, 1 डाउन 5 अप। बाकी असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, एंड फ्यूल इंजेक्टेड है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं इन्वर्टेड फोर्क्स 41 mm के, और पीछे आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है जो कि मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड बैक दोनों ही निसिन के कैलिपर्स हैं, आगे डुअल डिस्क का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो फ्रंट टायर आपको देखने के लिए मिलता है 120x70 ZR17, एंड बैक टायर आपको देखने के लिए मिलता है 180x55 ZR17, ट्यूबलेस रेडियल ऑब्वियसली। बाइक के कर्व वेट की बात करें तो 198 kg का कर्व वेट आता है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इसमें 130 mm का, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है 130 mm, बट हाँ जब राइडर बैठ जाएगा एंड फ्यूल मतलब सब कुछ मिला के ये आपका शायद 120 mm के अराउंड जाए। एंड हाईवेज पे बढ़िया है, बट अगर आप सिटी या वैसे नॉर्मली कम्यूट कर रहे हो तो बहुत ही संभाल के करना पड़ेगा स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पर। 830 mm की सीट हाइट आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, तो कि 511 के हिसाब से ठीक है, मैं अभी आपको बैठ के भी दिखा दूंगा। चेसिस की टाइप करें तो पेरीमीटर प्रेस्ड एल्यूमिनियम फ्रेम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, एक डिजिटल कंसोल देखने के लिए मिलता है, TFT डिस्प्ले एंड जिसमें फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ है। बाकी इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है, राइडर मोड स्विच देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, तो भाई इस बाइक में क्विक शिफ्टर भी अवेलेबल है जैसे कि हमने चेक करा। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी कावासाकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे एक फोल खुला मिल जाएगा आपको वाइजर में। एंड अगर हम देहरादून के ऑन रोड फाइनल प्राइसिंग की बात करें तो देहरादून में फरवरी 2024 के एंड के हिसाब से ये बाइक आपको पड़ जाती है 12,87,000 रुपीज़ की, मतलब 12,87,000 रुपीज़ में आप इस बाइक को घर ले जा सकते हैं। बाकी एक्स शोरूम पड़ता है इसका 11,10,000 या कुछ ऐसा ही, मैं पूरा श्योर नहीं उस बारे में, बट हाँ कुछ ऐसा ही पड़ता है। तो 12,87,000 एंड ये बाइक आप घर ले जा सकते हैं। बाकी मैं एक बार आपको बाइक में बैठ के दिखा देता हूँ मेरे पैर कैसे आ रहे हैं। 830 mm की सीट हाइट पर का जो फ्यूल टैंक का सेक्शन है, जैसे कि मोस्टली ओपनिंग इधर होती है, इसकी ओपनिंग थोड़ी सी पीछे को है क्योंकि आप काफ़ी पास दिखेगी, बाकी मेरे पैर पूरे आराम से आ रहे हैं एंड मैं सीधा ही हूँ ऑलमोस्ट। तो हाँ 830 mm की सीट हाइट थोड़ी सी तो है, बाकी यहाँ पर आपको सब एडजस्टेबल है वो तो मैंने दिखाई दिया। काफ़ी स्पोर्टी पोस्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी
झुका हुआ सा पोस्चर है। 198 kg का वेट, थोड़ा फील तो होता है देखो उठाने में। स्टार्ट वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि बैटरी ही नहीं है बाइक में, तो एग्जॉस्ट नोड में आपको सुनवा नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। बैटरी ना होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये वीडियो मोस्टली डिटेल्स के बारे में थी। आई होप तो आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी बाइक के बारे में, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से सब बताने की मैंने कोशिश करी है। और कुछ अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जिससे बताने रह गए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट कर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मैं तब तक ब्लॉग कंपेरिजन या रिव्यू में, बाय बाय।